अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी एक भुर्जी की, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट ऐसा है कि अंडा भुर्जी का टेस्ट ही बढ़िया हो जाता है। एक भुर्जी के साथ पाव बनाना या रोटी से खाना मजा ही आ जाएगा। जरूर बनाइएगा इसको। अंडा भुर्जी बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन। पैन लेके फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद पैन गर्म हो जाए तो पैन में डालिएगा 1 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन जले ना, इसके लिए हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें रिफाइन ऑयल। मुंबई स्टाइल बना रहे हैं अंडा भुर्जी, तो बटर हमारा पिघल गया है। हम इसमें शामिल कर देंगे 3 दरमियाने साइज के प्याज, यानी मीडियम साइज के प्याज थे तो मैंने चॉप कर लिया है। बहुत बारीक नहीं चॉप करिएगा, नहीं अंडा भुर्जी का वो टेस्ट नहीं आएगा। अब इसको बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, यहाँ तक कि इसको पिंक भी नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। बस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसको कद्दूकस में ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या आपके पास उखली हो तो उसमें भी कूच के डाल सकते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब 2 से 3 मिनट लगा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब इसके साथ हम शामिल करेंगे कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कलर के लिए बैलेंस के लिए डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। टेस्ट के लिए डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद भूनिएगा जरूर, वरना क्या होगा कि ना रंग आएगा और ना इसमें बैलेंस आएगा और ना ही टेस्ट आएगा। तो 2 से 3 मिनट लगा, तीनों चीजें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर, मेरे पास बड़े साइज के थे तो मैंने इनको काट लिया है रफली। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक इस हिसाब से ऐड करिएगा कि इसमें अंडे पड़ेंगे, तो अंडे का भी इसी टाइम पे नमक ऐड कर देना है आपको। और टमाटरों को ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इनको बस सॉफ्ट हो जाने तक पकाना है। और इसमें हम शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च भी। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे, तो टोटल मैं यहाँ पे अंडे शामिल करूंगी 10। अंडों को पहले से तोड़ लेना अच्छा होता है, उसे चेक हो जाते हैं कि इसमें कोई अंडा खराब तो नहीं है। मैंने यहाँ 10 अंडे इस्तेमाल किए हैं, आप अपने हिसाब से अंडों का इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपको क्रीमी क्रीमी बनाना है तो बहुत फास्ट आप अपने स्पैचुला को चलाइएगा, लेकिन मेरी तरह थोड़ा सा चंक्स वाला पसंद है अंडा भुर्जी, तो आप यहाँ बहुत धीरे धीरे आराम आराम से अपने चम्मच को चलाइएगा, तो चंकी सा इसमें अंडा भुर्जी आपको बनके तैयार होगा। जब भी आप अंडों को डालिएगा इसमें तो फ्लेम को स्लो रखिएगा और इसको आराम आराम चलाते हुए इस तरह से पूरा मिक्स कर लीजिएगा। तो ये लीजिए 80% ये कुक हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मक्खन, तो मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है। और अब एक ट्विस्ट आता है बहुत मजेदार, जो हम इसमें शामिल करने वाले हैं, वो है पाव भाजी मसाला। ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार आप पाव भाजी मसाला डालेंगे इसमें तो एक भुर्जी का बिल्कुल टेस्ट बदल जाता है। एंड में मैंने शामिल किया है जानबूझ के कि इसकी खुशबू बहुत निकल के आए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। फ्रेश कटा हरा धनिया बहुत सारा, ढेर सारा डालिएगा। इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग होती है। ये एक भुर्जी बनके रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको रोटी पराठे से, पूड़ी से, किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन आपको मुंबई स्टाइल खाना है तो पाव के साथ खाना होगा। पाव बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा मक्खन इस पे रखिए, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालिए, पाव भाजी मसाला, और इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम रख देंगे पाव। इनको इस तरह से सेंक लेंगे, पलट पलट के सेंक लीजिएगा। ये लीजिए, पाव भी तैयार हो गए। तो चलिए, देर किस बात की, सर्व कर लेते हैं एक भुर्जी पाव। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।